जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में, जो आप पेपर में कटिंग देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा डाटा मैं उसका बताने वाला हूं। तो पहले साथियों मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया है वो जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। कब स्टार्ट होगी? तो जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है जनवरी में शुरू की जाएगी। बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ये आदेश है कि इस भर्ती को 2023 में पूरा एग्जाम भी कराना है, उनका फिजिकल भी कराना है और उनका मेडिकल भी करा करके इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर देना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक साल के अंदर अगर ये काम होता है तो कितनी बड़ी बात है। जितने भी भर्तियां हैं वो पंचवर्षीय योजना बन के रह जाती हैं, लेकिन बाबा जी का ये स्पेशल वैकेंसी है और वैकेंसी 35,557 सीटों की है। ये जो पूरी भर्ती है साथियों 35,757 सीटों की है, जिसमें महिलाएं भी होंगी, ठीक है, और पुरुष भी होंगे। पुरुषों के लिए साथियों 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब अभी भर्ती आ जाएगी तो एक बार और अच्छे से उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा सिर्फ पर्पज यही है कि आपको इन्फॉर्म करना कि आप अभी से लग जाइए। अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना, वर्दी को अपना दुल्हन बनाना, तो आप अभी से लग जाइए। अभी से 3-3, 4-4 घंटे ही अगर पढ़ते हैं मात्र, तो भर्ती को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। इस भर्ती में जो रीजनिंग आते हैं, हिंदी आएगा, मैथ आएगा, ये सारी चीजें जब आएंगी आपके सामने तो पूरा लगेगा कि ये क्या आया, ये तो हलवा है। लेकिन अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3-4 घंटे का समय दीजिए। 3-4 घंटे का नहीं अगर हो पा रहा है तो अगर आज से आप 2 ही घंटे अच्छे से अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस भर्ती को निकालने में कोई भी समस्या आपके सामने फेस करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। मात्र अगर 100 क्वेश्चन ही करके आते हैं, एकदम सही करके आइए 100 क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा नंबर परफॉर्मेंस दिखाएं, तो 110 प्लस करके आइए। 110 प्लस यानी जनरल में आप चले जाएंगे। अगर ओबीसी है, एससी है, तो आप जनरल का भी कोटा पार कर लेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो ये 35,757 पदों की भर्ती है, उसका जो प्रक्रिया है जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में फॉर्म इसका आ जाएगा। और मेरा आपसे यही हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जितने भी एजुकेशन के ग्रुप है। मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो भर्तियां हैं उससे भी संबंधित न्यूज हमेशा लाता रहता हूं, और युवाओं की जो समस्या है, परेशानी है, उसका मैं आवाज बनता हूं और अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।